हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले में। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप अपने इनकम टैक्स का पासवर्ड भूल गए हैं एंड रीसेट करने वाले जितने भी ऑप्शंस है, पासवर्ड को फॉरगॉट करके रीसेट करने वाले जितने भी ऑप्शंस है वो फिलहाल काम नहीं कर रहे हैं, बट आपको अपना 26 ईयर्स चेक करना है, तो बिना इनकम टैक्स का लॉग इन किए आप अपना 26 ईयर्स कैसे चेक करेंगे, इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। पूरा प्रोसेस आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको कभी भी ऐसा जरूरत पड़े कि बिना लॉगिन किए अपना इनकम अपना 26 ईयर्स चेक करना है तो आप चेक कर पाए। 26 ईयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगर आप अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो, क्योंकि उसमें आपके TDS एंड टैक्स रिलेटेड सारे डिटेल्स होते हैं। एंड अगर आप इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना चाहते हैं खुद से घर बैठे, तो आई बटन पे यहाँ पे मैंने लिंक कर दिए हैं वीडियोस ITR 1, 2 एंड 4, आप कैसे फाइल कर सकते हैं घर पे बैठे फाइल कर सकते हैं वीडियो को देख के। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है, जो बैंक आपके लॉगिन में आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पे जो बैंक लिंक किया हुआ है आपने, उसका नेट बैंकिंग बेसिकली आपको चालू कर लेना है। नेट बैंकिंग चालू करने के बाद मेजरली हर नेट बैंकिंग में बेसिकली टैक्स सेंटर का ऑप्शन रहता है। जैसे कि मैंने ICICI का यहाँ पे मेरा बैंक अकाउंट है और मैंने यहाँ पे लॉगिन किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम कस्टमर सर्विस में जाएंगे तो यहाँ पे आता है टैक्स सेंटर का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं जूम कर देता हूँ, व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट फॉर्म 26 ईयर्स। अगर आपने कोई चलान पे किया है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ई स्टेटमेंट्स आप निकाल सकते हैं, TDS सर्टिफिकेट्स भी आप देख सकते हैं, 15G 15H आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इवन इनकम टैक्स का ई फाइलिंग जो है ना, आप उस पर लॉग इन भी कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ पे 26 ईयर्स डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। अगर आपको ये देखना है कि लॉग इन कैसे करते हैं तो उसका एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको चाहिए ये वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना है व्यू, हमको 26 ईयर्स चेक करना है तो हम व्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक OTP आपको आएगा, जो बैंक में रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आपको बेसिकली यहाँ पे डाल देना है। मैं यहाँ पे OTP डाल देता हूँ, OTP डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये एक बार कंफर्म करेगा कि आपका पैन नंबर यही है, आपको जस्ट चेक कर लेना कि आपका पैन नंबर जो है वो यही है, करेक्ट है या नहीं। करेक्ट है, डेफिनेटली करेक्ट ही रहेगा, क्योंकि बैंक में भी आपने यही पैन नंबर दिया हुआ है एंड आपके इसी पैन के इनकम टैक्स के लॉगिन पे ये बैंक जो है वो लिंक किया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे नया टैब में, वो टैब बेसिकली आपको ट्रेसेस पे लेके जाएगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हम ट्रेसेस पे आ गए हैं। अब हमको करना है एग्री एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है, यहाँ पे व्यू टैक्स क्रेडिट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि पूरा प्रोसेस सेम है। अभी आपको यहाँ पे असेसमेंट चूज कर लेना है अपना, फॉर एग्जांपल 22-23 है यहाँ पे, एंड व्यू एज HTML करना है और आपको कर देना है व्यू एंड डाउनलोड पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे व्यू एंड डाउनलोड पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे TDS के डिटेल्स बेसिकली आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं TDS का डिटेल आ गया है, तो सारे TDS के डिटेल आपके यहाँ पे आ जाते हैं। और आप यहाँ पे चाहें तो एक्सपोर्ट एज PDF करके अपना 26 ईयर्स का जो PDF है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है बट यहाँ पे हो गया, देखिए आप यहाँ पे डाउनलोड भी हो गया है, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। एंड ईजिली इनकम टैक्स का पासवर्ड नहीं याद है फिर भी आप 26 ईयर्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, व्यू भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इनकम टैक्स का जो है टैक्स सेंटर, वापस हम जाते हैं एक बार चेक कर लेते हैं लॉग इन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको क्या करना है, वापस यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे क्या है ई फाइल एंड ई वेरीफाई योर रिटर्न्स। तो हम ई फाइल पे क्लिक करेंगे, ई फाइल नाउ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंट नंबर आ गया है, हम बाई क्लिकिंग करके यहाँ पे एग्री करना है आपको और सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे वापस ये आई थिंक आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लेके जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पे आ गए हैं हम, बिना पासवर्ड के हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। अभी अगर आपको पासवर्ड याद नहीं आ रहा है तो आप सीधा प्रोफाइल में जाइए, प्रोफाइल में जाने के बाद यहाँ पे चेंज पासवर्ड करके आप अपना पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बिना लॉगिन किए बिना इनकम टैक्स पासवर्ड के आप लॉगिन कर सकते हैं, अपना 26 ईयर्स जो है व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको अगर पासवर्ड याद नहीं आ रहा है एंड अर्जेंटली अगर उनको 26 ईयर्स निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।